गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको कोण के प्रकार समझाऊंगी, टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास शून्य कोण, यानी कि ज़ीरो डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो जिस एंगल की मेजरमेंट ज़ीरो डिग्री होती है उसको हम शून्य कोण कहते हैं, यानी कोई मेजरमेंट नहीं होती है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल, ठीक है। ज़ीरो डिग्री से जो बड़े होंगे वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। उसको मैं रोटेट करूँगी, ये एंगल बढ़ता जा रहा है और ये हमारा जब पहुँच जाता है 90 डिग्री पे, ठीक है ना, 10, 20, 30 ऐसे करके 90 डिग्री पे जब पहुँच जाता है इसको हम कहते हैं समकोण। समकोण आपने देखा होगा कोने के जैसे आकार का होता है, दरवाजों के कोने पे, खिड़कियों के, फर्श के कोने पे जो कोण बनता है वो होता है समकोण। समकोण से बड़ा यानी कि 90 डिग्री से जो बड़ा कोण होता है उसको हम कहते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण कहलाते हैं। और इसको रोटेट करते करते ये देखो अब मेरे पास आ गई है एक स्ट्रेट लाइन, ये देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है और इसको कहते हैं सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। और 180 डिग्री से बड़े जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल होता है बृहद कोण, ये क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। और ऐसे इसको और रोटेट करेंगे तब ये बन जाएगा हमारा एक कंप्लीट एंगल, ठीक है। और इस कंप्लीट एंगल को हम कहते हैं संपूर्ण कोण, जो कि होता है 360 डिग्री का। तो जो पूरा जो सर्कल होता है, पूरे सर्कुलर शेप में बनता है, वो होता है हमारा संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। और इसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोण हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।